Here is example number 1. The observed value of x and y obtained from certain experiment are as under. Find the linear law y is equal to a x square plus b. Your data is given. Let law of the type y is equal to a x square plus b. This equation 1 convert to linear law. How to convert to linear law? X square is equal to, let x square is small x square is equal to capital X. You get y is equal to a into capital X plus b. This equation is linear in capital X and y, where a and b are constants. Also, capital X is equal to small x square. Here we want to find small x square from the given data. Value of x is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. And value of y is 6, 8, 9, 10, 12, 11 and 8. So what is value of x square? It is simply square of value of x. As under, graph dorvani jarur nathi, example puche do. Ave, athiyo empirical law no example. To, तमारे पहला स्लोप फाइंड करवो पड़े. व्हाट इज स्लोप? स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन इज वैल्यू ऑफ ए, बिकॉज कंपेयर विथ एम एक्स प्लस सी. एम इज स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड सी इज इंटरसेप्ट ऑफ वाई एक्सिस. सो ए इज स्लोप. हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन? व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस? Of value of y, what is maximum value of y? Maximum value of y is 6, 8, 9, 10, 12. Maximum is 12. And what is minimum? Minimum is 6. So y5 means 12 maximum value minus minimum value 6 divided by ऊपर जे लीधु होय धार के ऊपर y5 माइनस y1 लीधो तो नीचे x5 माइनस x1 ज आवे. तो 12 माइनस 6 x5 मींस वैल्यू ऑफ x5 मींस 25. आ वैल्यू लेवानी छे जे तमारे स्क्वेर कर्यो, केम के इक्वेशन क्यों लीनियर छे? ए एक्स प्लस बी, आ इक्वेशन लीनियर छे, आपेलू इक्वेशन लीनियर नथी. तो आपणे स्लोप केनो फाइंड करी शकी लीनियर इक्वेशन नो? एमां क्यों x छे? कैपिटल x. तो आ कैपिटल x नी ज वैल्यू आवे, एने ज तमारे x1 x2 x3 अप टू x7 नाम आपवानुं. ए जरा ध्यान राखजो. सो x5 इज 25, x1 इज 1, सो यू गेट a एज 0.25. तो तमने क्वेश्चन थशे के स्लोप मां केम मेक्सिमम माइनस मिनिमम गमे ते न लई शकी? तो जे डेटा आपेला होय एमां आपने खबर नथी के क्या पॉइंट लाइन ऊपर आवशे, अर्थात बार पण होई शके. तो आपणे मेक्सिमम जे पॉइंट होय, जे वाई परनो, वाई एक्सिस परनो मेक्सिमम पॉइंट होय माइनस वाई एक्सिस नो मिनिमम पॉइंट होय, ए ज रीते धारो के वाई जे है ने वाई आई मिनिमम पॉइंट छे, तो नीचे आवे एक्स जे माइनस एक्स आई. तो आ तमारो लाइन नो स्लोप मड़ी जासे. इतला मटे मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो, जे वाई नी वैल्यू आपेली होय ए तमने स्लोप आपसे. गमे ते रेंडम पॉइंट लसो तो स्लोप जुदो पण मड़ी सके, केम के लाइन परना पॉइंट आपने खबर नथी के क्या लाइन परना पॉइंट आवे छे. इतला मटे केम के आपणे बेस्ट फिट लाइन फाइंड करवानी छे. तो बी नी वैल्यू कई रीते मळशे? बी नी वेल्यू जे इक्वेशन आपेलू छे, इक्वेशन शू आपेलू छे? वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जेम आपणे ए नी वेल्यू फाइंड करी, जे मळी 0.25.
फाइव 0.25 मळी। हवे आपणे आ वेल्यू पुट करी जेमां कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 लऊं तो वाई नी वेल्यू शुं मळे 6 टेबल परथी। आ त्रणेय वेल्यू आ इक्वेशन में मूकवो એટલે बी नी वेल्यू मळी जाय। तो स्मॉल बी नी वेल्यू એટલે पुट एक्स इज इक्वल टू 1 कैपिटल एक्स आवशे કેમ કે કેપિટલ એક્સ બરાબર 1 હોય તો એક્સ સ્ક્વેર શું થાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 જ થાય। તો કેપિટલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 એન્ડ સ્મોલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 એની સામે 6 છે એટલા માટે ડેટામાં આપેલું છે અને એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.25 ઇન ધીસ ઇક્વેશન યુ ગેટ વેલ્યુ બી ઇઝ 5.75। તો હિયર ધ કર્વ ઓફ બેસ્ટ ફિટ ઇઝ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સ પ્લસ બી એ કર્વ હતો एम ज वेल्यू मुकवानी है स्मोल ए बराबर 0.25 एंड बी बराबर 5.75 पण आपणे कैपिटल एक्स बराबर शू लीधुं तुं एक्स स्क्वेर ए वेल्यू अहीं पुट करो एटले तमने बेस्ट फिट कर्व मळी जाय फ्रॉम द गीवन डेट। सेम मेथड ने यूज करीने सेकंड एक्जाम्पल ट्राय करी द ऑब्जर्व वेल्यू ऑफ एक्स एंड वाय ऑब्टेन फ्रॉम सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज एज अंडर फाइंड द लीनियर लॉ फोर वाय इज इक्वल टू ए ई रेस टू बी एक्स। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेर अपने आग शू जुत प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेर मेथड जेम आप नॉर्मल इक्वेशन यूज करता रकम में एवं कीधु यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वेर तो तेरे नॉर्मल इक्वेशन लखवाना जे आता हो जुदा जुदा कहू मैं जुदा जुदा आई सके जे आप अगर जो ने कहीं न पूछू तो आ मेथड यूज कर सको। तो डेटा आपेला है एक्स ने वाई ना लॉ क्यों आपेलो है वाय इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू बी एक्स। तो फॉर देट लेट धीस कर्व कन्वर्ट इंटू लीनियर लॉ फॉर देट टेकिंग लॉगरिथमिक बेस 10 इन द बोथ दी साइड वी गेट लॉग बेस 10 वाई इज इक्वल टू लॉग 10 बेस ए प्लस पावर नीचे पड़े बी एक्स लॉग 10 बेस ई। अँ लीनियर में कन्वर्ट करवा कीधु एक्स पावर 1 है तो एक्स ना एक्स ज राखा ने बाकी कॉन्स्टंट वही था कैपिटल बी कीधु अँ कॉन्स्टंट है कैपिटल ए कीधु अँ वेल्यू मे कैपिटल वाई कीधु। तो आ एक्जाम्पल में आप शू फाइंड करव पड़ से लॉग 10 बेज वाय लॉग 10 बेज ए आपने सॉरी पहला कैपिटल ए फाइंड करव पड़ से स्लॉप अँ स्लॉप शू थे सॉरी कैपिटल बी थे केम के एम एक्स प्लस सी आर कम्पेर करो ए एम स्लॉप थाय जो एक्स ना कोफिशियंस हो स्लॉप थाय तो एक्स ना कोफिशियंस बी है तो बी स्लॉप थाय एना पर ए नी वेल्यू मळशे ए बी नी वेल्यू मड़ी जाए पछी एंटी लॉग लियो तो स्मोल ए स्मोल बी नी वेल्यू मड़ी जाए अँ कई रीते बी नी वेल्यू मळशे स्मोल बी नी तो बी डिवाइड बाय लॉग 10 बेस ई आ तमने आपसे बी नी वेल्यू क्यारे जो तमे कैपिटल बी जाणता होय तो स्मोल बी फाइंड करी शको। एज रीते आ इक्वेशन जुओ तो एंटी लॉग लियो बन्ने बाजू एटले स्मोल ए कई रीते मळशे एंटी लॉग ऑफ कैपिटल ए जो कैपिटल एनी वेल्यू जाणता होय तो एनो एंटी लॉग लईने स्मोल एनी वेल्यू फाइंड करी शको। तो आपणे एना माटे शू फाइंड करवू पड़े पहेला लॉग 10 बेस वाय एक ज फाइंड करवू पड़े आ કેમ કે વાયની વેલ્યુ આપણે જાણી છે તો લોગ 10 બેઝ 10 કેલ્સીમાં ટાઈપ કરો અને વાયની વેલ્યુ મૂકતા જાઓ 32, 47, 65 એ રીતે તમને મળતી જાય। અહીંયા x1 x2 x3 આ જ મૂકવાના છે કેમ કે ઇક્વેશન શું છે કેપિટલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એ પ્લસ સ્મોલ એક્સ ઇન્ટુ બી એટલે જે ડેટામાં સ્મોલ એક્સ આપેલું છે એને જ x1 x2 x3 એન્ડ સો નામ આપવાનું અને કેપિટલ વાય જે આ મળ્યું એને જ y1 y2 y3 અપ ટુ y7 નામ આપવાનું। એ રીતે તમે સ્લોપ ફાઇન્ડ કરો તો મેક્સિમમ વેલ્યુ ઓન y ઇઝ y7 2.4398 બાકીની બધી સ્મોલર ધેન ધેટ વેલ્યુ એન્ડ મિનિમમ વેલ્યુ ઇઝ 1.5051 ડિવાઇડ બાય x7 બાય x1 સો યુ ગેટ વેલ્યુ ઓફ કેપિટલ બી ઇટ ઇઝ 0.1557।
હવે કેપિટલ એની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે પહેલો જ પોઈન્ટ લ્યો, કેમ કે એ સેલો પડશે મૂકવામાં, કેમ કે એક્સ વનની વેલ્યુ 1 લ્યો ત્યારે વાય વનની 1.5051 મળે છે. એ ઇક્વેશન 2માં મૂકો, 2 ઇક્વેશન એટલે કેપિટલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ એ પ્લસ કેપિટલ બી ઇન્ટુ એક્સ, તો તમને મળશે કેપિટલ એની વેલ્યુ. હવે કેપિટલ એની વેલ્યુ મળી જાય તેમ અગાઉ કીધું હતું એ પ્રમાણે એન્ટીલોગ લ્યો, કેપિટલ એની વેલ્યુ 1.3494 એનો એન્ટીલોગ લ્યો એટલે 22.3563 મળશે. એન્ડ કેપિટલ બીની વેલ્યુ કઈ રીતે મળે, સ્મોલ બી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેપિટલ બી ડિવાઈડ બાય લોગ 10 બેઝ ઈ. લોગ 10 બેઝ એની વેલ્યુ ફિક્સ જ છે, એક જ રહે, 0.4342 અથવા 43 લખો તો એ મળશે 0.3585. હવે સ્મોલ એ અને સ્મોલ બી એની વેલ્યુ મળી ગઈ તો કર્વ ઓફ ધ બેસ્ટ ફિટ શું મળે, વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ એની વેલ્યુ અને ઈ રેસ ટુ બી ઇન્ટુ એક્સની વેલ્યુ. તો આ તો કર્વ ઓફ ધ બેસ્ટ ફિટ.